तो दरभंगा में मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की बेरहमी से हत्या की गई है। दरभंगा एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने हत्या की पुष्टि की है और इस मामले को लेकर डीआईजी ने कहा है कि आज ही खुलासा कर दिया जाएगा। घटनास्थल को देखने से अभी हम तो हर एंगल से पुलिस जांच कर रही है, अनुसंधान कर रही है और पीछे से जो अंदर का जो बक्सा था वो पीछे घर के बाहर पाया गया, तो हो सकता है कि चोरी के घटना के प्रयास से भी कर सकते हैं या दुश्मनी की वजह से भी हो सकता है और वो डाइवर्ट करने के लिए वो भी कर सकते हैं, बट हम लोग हर एंगल से हम लोग जाँच कर रहे हैं। कुछ सामान बरामद किया गया है, मर्डर वेपन वगैरह कुछ भी? अभी तक कोई नहीं है, अभी एफएसएल टीम आ रहा है, उसके बाद अभी सुरक्षित घटनास्थल को सुरक्षित रखा गया है ताकि एफएसएल टीम आके फिंगरप्रिंट और कोई अन्य जो तो जो भी चीजें होगा दोषी बची जाएंगे शासन परिवार के साथ। एक सर लाल बक्सा उसका क्या गुरु? अभी जब अनुसंधान क्रिया है उसमें सारी चीजों को देखा, जो भी चीजें सामने आई अनुसंधान तो वो सारी सज जाएगी ब्रिंग के माध्यम से, एसपी साहब के माध्यम से। देखिए आप लोग देख रहे हैं कि ये घर गांव के एक किनारे पे स्थित है, शायद इसीलिए रात में पड़ोसियों को सूचना नहीं मिली है। पुलिस को सुबह 7:15 बजे सूचना मिली थी तो तमाम वरीय पदाधिकारी यहां तुरंत पहुंचे हैं। एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम ने भी पहुंचकर जांच की है। एफएसएल के लोग अभी जाँच अंदर कर रहे हैं और हम लोगों ने भी देखा है, कई महत्वपूर्ण सुराग हम लोगों को मिले हैं। हम लोग उद्भेदन के बहुत ही नज़दीक हैं और पूरी कोशिश है कि आज ही घटना का हम लोग उद्भेदन कर दें और अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। बहुत जल्दी आप लोगों को और विस्तृत जानकारी भी दी जाएगी। सर क्या लगता है कि वो चोरी के अंदर घटना या फिर हत्या के नियत से आया गया था? ये कई एंगल हैं लेकिन जैसे मैंने कहा कि हमारे पास कई महत्वपूर्ण सूचनाएं हम लोगों को मिली हैं, कई अच्छे सुराग मिले हैं और बहुत जल्दी ही अगले 6-8 घंटे में हम लोगों को पुनः आप लोगों को विस्तृत जानकारी देंगे। सर एक लाल बॉक्स मिला है सर मकान के पीछे में, क्या सर एक अहम कड़ी हो सकता है जांच में? वो एक छोटी सी अलमीरा है जिसमें कुछ महत्वपूर्ण कागजात और अपना व्यक्तिगत सामान रखा जाता था जो घर के पीछे फेंका हुआ मिला है। एक छोटा सा तालाब है गड्ढा नुमा, उसमें पानी में फेंका हुआ मिला है, उसमें जो कुछ कागज पत्र थे वो कुछ गीले भी हुए हैं। और दरभंगा संवाददाता गिरीश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। गिरीश क्या कुछ साक्ष्य अब तक पुलिस के हाथ लगे हैं, क्योंकि दावा ये किया जा रहा है कि ये मर्डर है या फिर लूट की नीयत से इस हत्या की घटना को अंजाम दिया गया है, इसका खुलासा आज ही किया जाएगा? जी देखिए मिथिला क्षेत्र के जो डीआईजी है बाबूराम, उन्होंने साफ तौर पर कहा आज देर शाम तक इस सारे हत्या का जो कांड का खुलासा कर देंगे, साक्ष्य मिल चुका है और जांच पड़ताल चल रही है और जांच का जो दिशा है वो काफी आगे बढ़ चुका है, क्योंकि 3 गिलास मिला है, 3 खाली गिलास मिला है, उसके बाद संदूक जो था फेंका गया था बगल में वो मिला, उन सब चीजों बिंदुओं पर जांच कर रहे हैं और जल्द से जल्द इस मामले में देर शाम तक घटना का उद्घाटन कर दिया जाएगा। जी चलिए बहुत शुक्रिया गिरीश आपका तमाम जानकारी के लिए।